हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मुस्कान और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिव्यू देने वाली हूँ बायोटिक के फेस वॉश का। आप बोलेंगे मेरे पास क्या बायोटिक की स्पॉन्सरशिप्स आ रही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर कहाँ हूँ अभी। ₹50 कट ओवर एक्टिंग की वजह। तो ये है बायोटेक का बायो पपाया फेस वॉश। ये है ₹4.60। इसकी MRP ₹60 है। आप इसे कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। अमेजोन पे भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी रिटेल स्टोर पर भी आसानी से मिल जाएगा। तो ये है 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ। और ये प्रोडक्ट ना मुझे काफ़ी पसंद आया। ऑल दो मेरी स्किन ऑयली है, बट ये मेरी स्किन को सूट किया। इस पर लिखा है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये होता है हल्का सा ग्रीन इन कलर। ये देखो, ये बस उसी का कलर है। ये ग्रीन कलर का होता है, हल्का सा ग्रीन कलर होता है इसमें। और ये हमारी, और इसमें होते हैं एक्सपोलिएटिंग एक्सट्रैक्ट जो हमारी स्किन को जेंटली एक्सपोलिएट भी करते हैं। स्किन अच्छे से क्लीन हो जाती है, उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। ऑल्सो मैं आपको इस रिव्यू में एक और चीज़ रिपीट करती हूँ। आप जब भी फेस वॉश करो, ये फेस वॉश हो या चाहे कोई भी फेस वॉश हो, आपको 1 मिनट तक आपका फेस वॉश आपके फेस पे मसाज करना है, उसके बाद ही उसे वॉश करना है। ये फेस वॉश करने का रूल होता है कहीं ना कहीं कि आप 1 मिनट तक उसे अच्छे से मसाज कीजिए। बिकॉज अगर आप उसे कम मसाज करते हैं तो आपकी स्किन से पूरा ऑयल डर्ट अच्छे से नहीं निकलता है, वो आपकी स्किन में रह जाता है और फिर आपको पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है या हो सकती है अगर नहीं है तो। तो आप ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 मिनट तक फेस वॉश अभी तक नहीं करते थे तो आप करने लग जाइए, ठीक है। ये है ₹60 में कितना ml है, दिस इज़ 50 ml। तो लाइक क्वान्टिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है इन ₹60। इस हिसाब से इट्स लाइक रियली गुड प्रोडक्ट, काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है ये। इसके इंग्रेडिएंट्स सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसमें। सारे इंग्रेडिएंट्स स्किन फ्रेंडली हैं। सो या, दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर अ फेस वॉश। अगर आप फेस वॉश के लिए देख रहे हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये हर जगह अवेलेबल है, मैंने आपको शायद बता दिया है। सो या, दैट्स इट गाइज, ये रिव्यू ख़त्म होता है। अगर मैं कुछ और चीज़ें भूल रही हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और अगर आपके पास कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका मैं रिव्यू कर सकूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, तो उसमें मुझे फॉलो करना मत भूलना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, लव यू ऑल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।